बंद 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 ये असल सर भैरव जी का मंदिर है। आज लास्ट नवरात्र है, सभी लोगों ने लास्ट का नवरात्र किया है और असल सर भैरव जी के धाम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भैरव जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज हम भी देरासर से बच्चे का चुटला उतारने के लिए भैरव जी के मंदिर में अभी अभी पहुँचे हैं। ये पूरा भैरव जी का मंदिर का सीन आपको दिखाया जा रहा है। असल सर का ये जो मंदिर है भैरव जी का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ से दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। अभी थोड़ी देर में चटला उतारेंगे बच्चों का। कह रहे हो पिंकंग हो और बदे बहादुर जी ने क्या नहीं किया? ए दामन रेड़े है नहीं है बजे हां दाम टपर की मां देओ गाइडा हां लेके ये भी फेरी दे रहे हैं भैरव जी के, भैरव बाबा का दर्शन करके। चलो फेरी देव। ये बच्चा शक्ति सिंह देरासर से है, ये वही बच्चा है जो देरासर के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शराब बंदी का फैसला, डीजे बंदी का फैसला लिया था, वही बच्चा है। आज ये बच्चा अपना झगड़ा उतारने के लिए भैरव जी के मंदिर में आया है। थोड़ी देर बाद में आपको झगड़ा उतारते हुए दिखाएंगे। यहाँ सर की भैरव जी की बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, यहाँ दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ आज, लास्ट नवरात्र है। चैत में जो नवरात्र आते हैं वो है। ये हमारे बुआ जी की बेटी प्रियंका, ये बकरा भी यहाँ पे आया हुआ है। कितने पैर लग गए? कितने देर ली?
बकरा यहाँ पे आपने देखा, बैरून जी के चढ़ाया जाएगा अभी थोड़ी देर में। इस बैरून धाम की बहुत ही मान्यता यहाँ आसपास इलाके में है। ये वही बच्चा है शक्ति सिंह। ये मंदिर के बाहर का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। जुड़ दो टट से, ये है पिंका, जुड़ दो टट से, जुड़ दो। अच्छा, ये जीवन माता का स्थान है, जीवन माता का थान है बैरून जी के साथ में। जीवन माता का प्रसाद ये दो थैली मंगा देडो, एक प्रसाद ये जीवन माता का स्थान आपको दिखाया जाता है। बैरून जी के थान के साथ में जीवन माता का स्थान भी है। ये पूरा दृश्य आपको बाहर, ये बैरून जी के तरों चारों तरफ अच्छी बढ़िया बाउंड्री बनाई हुई है और पूरा मतलब बैरून जी का ये स्थान है। जगह जगह पे झंडियाँ लगा कर ये अच्छे तरीके से सजाया हुआ है मंदिर है। ये जीवन माता के स्थान के आगे फेरी लगाते हुए ये बना, इनका भी थोड़ी देर में जुड़ला उतारा जाएगा। उतार ये वही बना है जो देराश्र के लिए बहुत अच्छा अच्छा फैसला लेते हैं। अभी अपना जुड़ला उतारने के लिए और माँ भवानी और भैरों बाबा को मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए बैरून जी का दर्शन करने के लिए जो भीड़ है, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी झंडियाँ यहाँ पर लगाई हुई है। ये पूरा बैरून जी का बाहर से दृश्य, ये बकरे घूम रहे हैं जो बैरून जी चढ़ाए जाएंगे। इधर धूप लगाया हुआ है, अच्छा गार्डन है, बहुत ही एकांत स्थान और बहुत ही आनंदमय स्थान है। ये चारों तरफ बाउंड्री की गई है, ये कुंड है साथ में पानी के लिए और इधर प्याऊ है, इधर नल लगाए हुए हैं बैरून जी के, जो भगत आता है वो आराम से हाथ मुंह पैर धो सकते हैं। और ये चारों तरफ बैरून जी के मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री बहुत अच्छी, ये पानी की टंकी फिर से, और ये पूरा गार्डन है। और ये स्थान है शायद यहाँ पे जुड़ला उतारा जाएगा, यहाँ पे तेल बैरून जी के चढ़ाया जाता है वो है। और ये चारों तरफ की बाउंड्री और बैरून जी का स्थान, और ये यहाँ पे बकरा चढ़ाया जाएगा। तो प्रसाद आता स्थान है, यहाँ पे एक फेरी लगाई जाती है। ये हमारे बुआ जी शारदा बुआ जी जगह देहरा श्रमासल सर पर मेड है, बहरू मना अंक है लड़का है वह। ओ भाजी पूरा तेल चढ़ाएडो है, पूरा तेल चढ़ाएडो है। बकरा चढ़ा
दूसरे अब जुड़लो घटो तार छो की बच्चा को उतार दियो उतार दियो और गए गिरे उतार ले इतो से छ बस इतो से उतरे ये हां ओतो उतरे देखो उतार दियो छोड़ उतार ना क्यों बच्चे को जड़लो तारे बच्चा का पता नहीं चला ऊपर एक चोटी थी उतार दी अभी घर पे जाके आराम से उतार सकते हो प्रसाद बांटते रहे प्रसाद दो कत्ते एक जिंदगी है ये बाप रे मल्ला सरगांव से आए ये लोग ये पूरा एरिया देखिए बहुत ही शानदार एरिया है भैरव जी का स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है यहाँ पे पूरा गार्डन है यहाँ पे अगर आके बैठता है कोई भी टेंशन होती है थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर अगर आदमी आके बैठता है इस शांत एरिया में तो भैरव बाबा ज़रूर उस आदमी मनोकामना पूर्ण करता है और हर टेंशन हर चिंता फिक्र दूर करते हैं भैरव बाबा। अभी चलते हम थोड़ी देर में बाद में फिर आपको दिखाएंगे। जय भैरव बाबा की जय माँ भवानी।